सिरोही में दो दिन पहले राजस्थान एक्साइज विभाग के दलों द्वारा भारजा के पास खेत में शराब की बड़ी खेप पकड़ने के बाद सिरोही पुलिस अधीक्षक अब राजनेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया के बाद नागौर सांसद और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने अपनी फेसबुक वॉल पर मुख्यमंत्री से पुलिस अधीक्षक की भूमिका की जांच की मांग की है। वहीं सिरोही के ही एक कांस्टेबल का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें उसने सिरोही पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जानकारी सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि सिरोही पुलिस जिले में फिर से डेढ़ दशक पहले वाले कई सारे डीएस को पैदा करने की कोशिश में लग गई है। सिरोही में रविवार को भारजा में, जो गुजरात में तस्करी के लिए एकत्रित की गई हरियाणा व पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी गई थी, उसे लेकर अब राज्य स्तर पर राजनीति गर्मा गई है। आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को अपनी फेसबुक वॉल पर इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका होने की बात कही है। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि राजस्थान में गुजरात राज्य के बॉर्डर पर स्थित सिरोही जिले में शराब का जो जखीरा पकड़ा गया, शराब का इतना बड़ा अवैध काम बिना पुलिस के संरक्षण के असंभव है। निवाल ने आगे आरोप लगाया कि विगत वर्ष जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब जो जालौर जिले में जिला पुलिस अधीक्षक थे और चौथ वसूली करवाकर लोगों को गुजरात सीमा से जालौर जिले में एंट्री करा रहे थे, इस कारण उन्हें वहां से तब हटाया गया था और ऐसे व्यक्ति को ही फिर से सिरोही एसपी लगा दिया गया और अवैध शराब के पूरे प्रकरण में वर्तमान में सिरोही एसपी की भूमिका की मिली भगत को नकारा नहीं जा सकता। बेनीवाल ने राय दी कि ऐसे में राजस्थान सरकार को ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देने से पहले उनके पूर्व के कार्यकाल में जो उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बेनीवाल ने आगे लिखा कि आबकारी विभाग में जिम्मेदारों व एसपी सिरोही की भूमिका की जांच राज्य सरकार को एडीजी रैंक के अधिकारी के निर्देशन में करवाने की जरूरत है, जबकि जांच एडिशनल एसपी को दी गई है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर एक एडिशनल एसपी एसपी की भूमिका की जांच कैसे करेगा। बेनीवाल ने आगे लिखा कि उक्त कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया, तब सिरोही की टीम को भनक तक नहीं लगने दी। इससे जाहिर है कि सिरोही जिले में सिस्टम में बैठे लोगों की मिलीभगत शामिल थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। उधर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सिरोही के ही एक कांस्टेबल का बयान सामने आ रहा है। देवेंद्र नाम के इस कांस्टेबल ने बताया कि उन्हें साजिश रचकर तमिलनाडु भेजा गया। उसने आरोप लगाया कि वहां से लौटने पर पुलिस अधीक्षक ने शराब तस्कर के कहने पर उसे सस्पेंड किया। सस्पेंशन के बाद एसपी के खास हेल्थ कांस्टेबल तेजाराम ने उससे कहा कि वो लोग तमिलनाडु से जो भी पैसा लाए हैं वो दे दें। कांस्टेबल ने बताया कि उन्होंने हेड कांस्टेबल से कहा कि सर, वहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। देवेंद्र ने आरोप लगाया कि फिर तेजाराम ने कहा कि सोमवार तक पैसा जमा करवा दो, नहीं जमा करवा पाए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल देवेंद्र ने इसकी रिपोर्ट एसीबी जयपुर में भी की थी, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। एसपी साहब बहुत नाराज चल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग करके तमिलनाडु भेजा गया वगैरह, और ये आने के बाद में इस तरह की सस्पेंड वाली कार्रवाई की गई, और ये सारी कार्रवाई दारू के तस्करों के कहने पे हो रही है। जैसे ही हम एसपी ऑफिस से नीचे उतरे, उनके एक खास हेड कांस्टेबल है तेजाराम जी, जो उनका सारा कामकाज देखते हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि तुमने जो भी पैसे लिए वहाँ से ले आओ। तो हमने उनको बताया कि सर, वहाँ पर कुछ भी पैसों की लेन देन नहीं हुई, ना तो हम किसी से मिले, ना हमने कोई पैसों की लेन देन करी है। तेजाराम ने बोला कि आप सोमवार तक पैसे जमा करवा दो, वरना आप सस्पेंड कर दिया जाएगा, और सोमवार तक नहीं जमा करवा पाए तो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया हमारा, और हमें सस्पेंड कर दिया।